दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक डब्बा है और इस डब्बे की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं। इस डब्बे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एक जो है मैंने इमरजेंसी लाइट मंगाई है, देख सकते हैं यहां पर इस तरह का वियर्ड वुल्फ TL008। तो अगर दोस्तों आप अगर इमरजेंसी लाइट के लिए जाते हैं तो ये इमरजेंसी लाइट आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें फीचर क्या क्या है दोस्तों देख सकते हैं, माइक्रो यूएसबी मिलने वाला है, 1200 mAh की बैटरी मिलेगी, टच डिमर है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टच से काम करेगा ये, फ्लेक्सिबल गोस्ट नेक है इसमें, जो आपका लाइट का जो सेटअप किया गया है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, आप जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं इसे। उसके बाद है मोबाइल स्टैंड है, इसके अंदर आपको मोबाइल स्टैंड भी मिलने वाला है, पेन स्टैंड भी है। उसके बाद 3 शेड्स है, एयरक्राफ्ट ग्रेड प्लास्टिक, इस तरीके से ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अंदर फ्रेंड क्या क्या आपको मिलने वाला है देख सकते हैं, द प्रोडक्ट है 20 एनर्जी सेविंग हाई ब्राइटनेस LED लिखा हुआ है। उसके बाद है द प्रोडक्ट कम विथ 1200 mAh लिथियम बैटरी के साथ आपको आने वाला है, द प्रोडक्ट हैज़ ए टच कंट्रोल रहेगा ये, शॉर्ट प्रेस द टच बटन द एडजस्ट द ब्राइटनेस लो मीडियम हाई, यानी मतलब फ्रेंड इसमें जो टच बटन है वो 3 तरह का काम करेगा, लो मीडियम और हाई का काम करेगा ये। और लॉन्ग प्रेस द टच बटन द एडजस्ट द कलर शेड वाइट वार्म वाइट वार्म, यानी मतलब है जब आप टच बटन पर टिक करिएगा उसके बाद आपको ये 3 तरह का भी काम करेगा, वो एक वाइट, एक वार्म वाइट, एक वार्म, इस तरीके से। यानी जो लो है उसके साथ आपको वाइट काम करेगा, मीडियम उसके साथ वार्म वाइट काम करेगा, जो हाई है उसके साथ वार्म काम करेगा। फिर है द प्रोडक्ट विथ ओवर वोल्टेज ओवर टेम्परेचर ओवर करेंट पोलरिटी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। कुल मिलाकर फ्रेंड यहाँ पर जो दिया हुआ है इसे पढ़ लेंगे, सारा चीज़ जो है यूजुअली है, और चलिए इसको खोल के देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हम नहीं करेंगे। खोलने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट जो है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पैक किया हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड आपको ये USB जो कोड है ये दिखा देते हैं आपको, ये USB कोड है। अगर आपके घर में फ़ोन वगैरह है तो जो आपको फ़ोन का जो एडाप्टर है उसके साथ कनेक्ट कर देना है इसको। उसके बाद ये जो है जो पुराने ज़माने में जो फ़ोन आते थे, अभी मतलब जो साल 2 साल पहले फ़ोन आते थे, उनका ये USB यहाँ पर कनेक्टर दिया हुआ है देख सकते हैं। मैं सोचा C+ होगा लेकिन ये C+ है नहीं, क्योंकि अब ये जो एडाप्टर इनका है मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। खैर ये तो किसी में भी लग जाएगा, कोई वो नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज़ आते हैं इसका लाइट पर, लाइट देखिए इस तरीके का है। अच्छा यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं फ्लेक्सिबल इसी को कहा गया है, आप जितना मन चाहे इसे लंबा कर सकते हैं। अब ये जो है फ्रेंड यहाँ पर लाइट वाइट यहाँ पर दिया गया है, आगे पीछे दोनों एक जैसा लग रहा है, यहाँ पे लाइट किधर जलती है। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं ये सरफेस जो है यहाँ पर बहुत ही यूनिक है, ये सिलिकॉन का बनाया हुआ है देख सकते हैं, वाइट कलर का, बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर टच पैनल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मोबाइल स्टैंड की बात कर रहे थे, ये मोबाइल स्टैंड हो गया आपका, ये ऊपर का जो हो गया, ये दोनों एंगल मोबाइल स्टैंड, ये पेन स्टैंड हो गया, यहाँ पर पेन डाल सकते हैं आप। उसके बाद चार्जिंग पॉइंट जो है फ्रेंड यहाँ पर दिया गया है, चार्जिंग पॉइंट अगर आप यहाँ पर USB यहाँ पर ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, डाल देंगे यहाँ पर इसको डालने के बाद, और रही ऑन ऑफ की बात, इसे ऑन कर देंगे यहाँ पर, ऑन यहीं से करना है आपको। ऑन करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम जलता कैसे है ये। अब यहाँ पर ये आया कि जलाना कैसे है, तो ये देख सकते हैं टच जो पैनल है, तो यहाँ पर जो फ्रेंड इसे हम चालू करके देखते हैं चालू कैसे होगा। थोड़ा सा इसे हम दूर से लेंगे ताकि आपको दिखाई दे, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो टच बटन है यहाँ पर, हम देखिए यहाँ पर जैसे पुश किए ये जलना चालू हो गया। और यहाँ पर जो है 3 तरीके से इसे सेटअप कर सकते हैं। अगर पहला तरीका, चलिए देखिए इसको इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं ताकि दोनों एक ही फ्रेम में आ जाए। कुल मिलाकर फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर अगर पहली बार टच करते हैं तो ये लो पर जलता है। इसमें देख सकते हैं कितने सारे लाइट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद दूसरे पर टिप करेंगे तो थोड़ा और लाइट जो है ब्राइट हो गई। तीसरी बार टैप करते हैं तो लाइट जो है और ब्राइट बहुत ज़्यादा हो गया, ये सबसे हाई में है। कुल मिलाकर फ्रेंड ये लाइट जो है बहुत ही बेहतरीन है, एक स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही चीज़ है, तो इसे आप ज़रूर जाकर के ले सकते हैं। मात्र 450 रुपये का मुझे पड़ा, ये ऑनलाइन मैंने मंगाया है, तो अभी इसे कब मंगा के ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।